पीएम किसान योजना के नियमों को लेकर बड़ा एक्शन सामने आया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए नियम के अनुसार किन किसानों को मिलेगी नगद रकम। आंकड़ों की माने तो पीएम किसान योजना में ऐसे करीब 33 लाख किसानों को 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए गए हैं, जो इस योजना के तय दायरे में आते ही नहीं थे। इसी के मद्देनजर नियमों में बदलाव किया गया है। दरअसल योजना का फायदा कई ऐसे किसानों को भी मिला है जो इस योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं थे। अब आपको बताते हैं कि नियमों में क्या बदलाव हुआ है। नियमों में बदलाव के तहत किसान सम्मान निधि पाने के लिए नया रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान को अपने खेत का मालिकाना हक भी दिखाना होगा। उन्हें अपने आवेदन फॉर्म में जमीन के प्लॉट नंबर का भी जिक्र करना होगा। अगर कोई किसान परिवार की संयुक्त जमीन पर खेती कर रहा है तो उसे पहले अपने हिस्से की जमीन अपने नाम करनी होगी। मालिकाना हक दिखाने के बाद ही योजना का फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि इस नए नियम का किन किसानों पर असर पड़ेगा। नए नियमों का असर उन किसानों पर होगा जो योजना का लाभ लेने के लिए नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पहले से योजना का लाभ पाने वाले किसानों पर इस कदम का असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई किसान अपने पिता या दादा की जमीन पर खेती कर रहा है तो उसे योजना में नया रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही किराए पर खेत लेकर उनमें खेती करने वाले को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी खेत के मालिक की ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अब जानिए इस नए नियम से किस तरह के किसान दायरे से बाहर हो गए हैं। सरकार ने इससे पहले भी नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत टैक्स दायरे में आने वाले किसान योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। ऐसे किसान जो संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों को भी फायदे के दायरे से बाहर रखा गया है। अब जानिए सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है। सरकार और सरकारी आंकड़ों के अनुसार योजना में बड़ी संख्या में ऐसे किसानों को फायदा मिला है जो योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं है। सरकार ने नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान योजना में ऐसे करीब 33 लाख किसानों को 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए गए हैं, जो योजना के तय दायरे में आता ही नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर हमारा ये खबर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। ज़्यादा खबर पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.facebook.com